हसीना मलिक जी, ये वो मोम का पुतला नहीं है। क्यों सर? हसीना मलिक जी, ये हमें थोड़ा सा कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है। अलग सा? क्या बात कर रहे हैं, एकदम वही तो है, डिट्टो सेम टू सेम, साक्षात राजा चंद्रकेतु जी का मोम का पुतला है क्या नहीं? हाँ 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 हाँ। अरे आदमी छे और हाँ सात। सर हम दो बार हाँ बोल दिए सर। झूठा कहीं का, कीड़े लगे हुए गोभी के सड़े हुए सूखे हुए डंठल। अरे सच बता दे इस पुतले की असलियत, बता दे कि ये पुतला नकली है, ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पुतला 100% असली है और इसकी गारंटी हम लेते हैं। बहुत मजा किया है, तुम्हारा काम ही था। हाँ, सर लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है, वो नहीं है? अरे हम सब जानते हैं, हमें इसलिए ऐसा लग रहा है, इसका पेट निकला हुआ है। बापरे, अभी भी नहीं है सर, देखिए। अरे हाँ, लूज है सर, लूज है, लूज हाँ, है। ये तो लूज है, लेकिन अभी हमने खुद ही देखा था। सर कहाँ बाल का खाल निकाल रहे हो, कहाँ पेट के पीछे पड़े हो, अरे पेट अंदर हो या बाहर कहाँ फर्क पड़ता है? अब देखिए समय निकला जा रहा है और कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। अरे तो टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हो, हम सब जानते हैं। एक गाड़ी मंगाओ, पुतले को लेके चलो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलो जल्दी करो। ठीक है ठीक है, हम कह रहे थे कि हमें एक बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आप यहीं रुकिए, चीता और पुष्पा जी आपका ध्यान रखेंगे, आप इनका ध्यान रखिए। जी मैडम। करिश्मा सिंह आप हमारे साथ। जी जी जी। जय हिंद सर। जय हिंद। पहनी नजर तो है और इस पहनी नजर से सर आपके लिए गोभी के पकौड़े मंगाए हैं, चलिए ना आराम से बैठकर भाई। हम सब जानते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पुतले का क्या करें? ये चीता लेकर आएगा ना बाहर? लेकर आएगा ना, हाँ हाँ। उठा के लेके आएगा? उठा के लेकर आएंगे हम। अरे लेके आएंगे वो ठीक है, लेकिन अच्छे से उठा कर लेके आइएगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम एकदम आराम से उठा कर लाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए सर आप आइए ना बाहर। चल रे पुतला बने। हम अगर आपसे ये पूछे कि इस बात का क्या गारंटी कि हम है ना वाले यहाँ आएंगे ही, तो आपका क्या जवाब होगा? ताकि हसीना जी, तुक्के पे तीर लगाया जाता है ना कि तीर पे तुक्का लगा के सबका समय बर्बाद किया जाता है, है कि नहीं? गिरगिट भी रंग बदलने से पहले ना कुछ सेकंड लेता है, कमाल का स्पीड है आपका केचली बदलने का। अभी कुछ घंटे पहले ही आप मदद मांग रहे थे और आपका रवैया एकदम बदला हुआ है। ये तो जानते हैं ना कि ये सब जो रायता फैला हुआ है ये आप ही नहीं फैलाया है, वो स्टैचू को खोकर अपनी ड्यूटी आप ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए हम यहाँ बैठे आपके रायते को समेटने के लिए। इतना तो याद होगा ना आपको बुलबुल जी? करिश्मा जी आप भी बुरा मान गए, देखिए हम तो सिर्फ याद दिला रहे थे कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको चालू होने में सिर्फ 4 घंटा बचा है। पांडे जी एक बात समझ लीजिए, ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये सच में आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए 4 घंटे बचे हैं, हमें हमारा काम शांति से करने दीजिए और प्लीज आप चुप रहिए। अरे हसीना जी का भी ना, मतलब चोर बाजार सामने है, चोर सामने है, वहाँ पे सबूत भी मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं आप यहाँ बैठ के का गणित लगा रही है। हम तो कह रहे हैं कि चलिए चोर बाजार में अंदर जाके 4 चमाट लगा के हाथ पे हथकड़ी पहना के लपेट लेते हैं चोरों को, हैं? चला 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 हम जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं पांडे जी, जल्दबाजी मत करिए, हमारी बात सुन। अरे निकला निकला, जल्दी करा जल्दी करा। क्या इंसान है ये? गोभी के पकोड़े बस आते ही होंगे। अरे बिरयानी तो पूछिए, कुछ और तो पूछिए, क्या गोभी के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, अरे गोभी का कोई पर्व है क्या? सर आप मजाक कर रहे हैं, गोभी के पकोड़े शायद ना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने आज, इसलिए हमारा भी मन ललचा रहा है। बिल्ले। हाँ माँ। ये टिल्लू की आवाज कहाँ से आई? बिल्लू की आवाज? हाँ बिल्लू बिल्लू बिल्लू। सर
हम्बुल। हाँ, आजकल उसको शौक लगा है वो बिल्लू की आवाज में बातें करता है। बैठे बैठे आराम से बैठे सर, इत्मीनान से बैठे सर, इत्मीनान से बैठे। सो गए। बहुत बढ़िया मैडम सर, आपका आइडिया काम कर गया। लोगों का कीमती उड़ाया सामान की जगह जो घटिया सामान रखा जाता है वो इसी पास के चोर बाजार में रखा जाता है, इसलिए चोरों का यहाँ पे आना जाना बहुत ज्यादा है। आखिरकार चूहे फंस ही गए बिल में। एग्जैक्टली। और अगर हमारा अंदाजा सही है तो अभी अंदर जाकर असली सामान रखेंगे और नकली सामान लेकर बाहर आएंगे। करिश्मा सिंह, ये सबसे अच्छा मौका है इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। आप रेडी हैं? रेडी। ओके। कुछ नहीं। हाँ, सब ठीक तो है। बैठिए। का हुआ? सो लगी। जा देखकर जाओ, करके जाओ। सर? हाँ सर, क्या हुआ? अरे कुछ तो हुआ है। अरे पहले इस पुतले के जो ये तलवार है, हाँ? ये उस हाथ में थी, मतलब पहले राइट हाथ में थी, ये लेफ्ट हाथ में कैसे आ गई? सर हम समझाते हैं। देखिए अभी क्या है, सब ना राइट लेफ्ट का खेल है सर। अभी आप हमारे ठीक सामने खड़े हैं तो हमारा राइट हुआ आपका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट हो गया आपका राइट। अभी थोड़ी देर पहले आप पुतले के ठीक सामने खड़े थे तो आपका राइट हो गया था पुतले का लेफ्ट, और पुतले का लेफ्ट हो गया था आपका राइट। लेकिन अभी अगर आप घूम कर देखिएगा तो पुतले का राइट हो जाएगा राइट, लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट। देखिए सर। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, आमने सामने में ना ऐसा ही होता है सर। आइए। हाँ, पहले से ऐसे ही था जी सर। आइए बैठिए सर, बैठिए। वाह, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है सर। नहीं, पकौड़ा नहीं आया ना सर। चलते प्रणाम सर। चलो भाई। उसे संभाल के रखो। देखिए मैडम सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। चले मैडम सर। नहीं अभी नहीं। भाई पुलिस। अभी जल्दी चालू कर। चलिए करिश्मा। करिश्मा सिंह, अभी जल्दी करता क्यों नहीं है यार?
चेक करिए जी, खड़े रहो इधर। मैडम सर आप सही थे, सारा चोरी का सामान इधर पड़ा हुआ है। लोगों का असली सामान लेकर नकली सामान चिपकाने के इस जुर्म में, इस फ्रॉड में तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। बुलबुल पांडे के घर से जो मोम का पुतला चुराया है उसको कहाँ रखा है बताओ, बताओ। मैडम हमने कुछ भी नहीं किया मैडम, आप यकीन तो कीजिए, हमारे इसमें कुछ भी याद नहीं है मैडम। हमारा काम तो केवल कस्टमर के सामान के साथ हेरा फेरी करना है, और बाकी का सामान तो कल्लू करता है। हाँ कल्लू करता है, कल्लू वो चोर बाजार वाला। हाँ वही 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 मैडम। ठीक है करिश्मा सिंह, डालिए इन तीनों को गाड़ी में। अबे बात किससे कर रहा है, कल्लू कबाड़ी से। इसी गल्ले पर बैठकर दो चार रोल्स रॉयस ना खरीदी ना तो कहना, एक दिन इस पूरे चोर बाजार का राजा कहलाऊंगा। हाँ हाँ, और चंद्र केतु के स्टैचू से शुरुआत तो हो ही चुकी है। भागते कहाँ, सामने कहाँ भागते हो? हाँ कहाँ है बताओ, कहाँ है सामान बताओ हमको, बताओ कहाँ है। झूठाई खुद अपने आप सच्चाई बताओगे या तुम्हें थाने ले चलें और पीटें, वक्त बर्बाद करें? क्या बात कर रही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चोरी हो गया, यहाँ तो ना आया बिकने के लिए। अम्मा कसम बता रहे हैं नहीं आया, मजाक बना के रखा है। अरे हटो रास्ते से। अरे अरे रुका, कहाँ भाग रहे हो? अरे जिंगूर को कहाँ पकड़ रहे हो, असली मुजरिम तो यही है चिकना अंकल, नाम बादशाह और काम ठगो वाला है ससुरे का। हमारा जो पुतला चोरी हुआ है उसका सारा लिखत पढ़त मिला है ससुरे के पास, है सारा फसाद का जड़ ही ससुरा है। हाँ मैडम, मुझे पता है वो पुतला किधर है, आप आइए मेरे साथ, मेरे पास ना उसका पूरा डिटेल है। अरे हसीना जी आप सोच क्या रही है, मुजरिम मिल गया है, पुतले का पता बता रहा है, सारा टंटा खत्म। अब चलिए ढाई घंटा बचा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए चलिए जल्दी करिए। करिश्मा सिंह एक काम कीजिए, आप इनके साथ जाइए, हम डीएसपी सर को रिपोर्ट करते हैं, देखते क्या सिचुएशन। जी मैडम। चलो। हेलो जय हिंद सर। जी सर हम बस आ ही रहे हैं। हाँ हाँ दरअसल चोर मिल गया है। हेलो। अबे बात किससे कर रहा है, कल्लू कबाड़ी से। मैंने अच्छे अच्छे को छल्ले पहना दिए, पुलिस वाली क्या चीज है। देखो लेकिन क्या है ना, वो पुतले की सूंघ लग गई इनको, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पुतले को अगर ठिकाने नहीं लगाया ना तो सबके सब लपेटे में आ जाएंगे, समझे ना। अभी तो टाल दिया किसी तरह से, पता चल गया ना तू। सच्चाई उगलो, बता तो, मतलब पुरानी हवेली पे बिकने के लिए नीलामी हो रही, अगर जल्दी नहीं गए तो मतलब बिक जाएगा, और आप जानते हैं कि चोर बाजार है, एक बार मतलब बिक गया ना तो पुतला क्या पुतले की हवा भी नहीं मिलेगी। मैं लेके चलता हूँ ना आपको वहाँ पर, बंदे को खिदमत का मौका दीजिए। हेलो करिश्मा सिंह, पुतला मिल गया है पुरानी हवेली में, हम कल्लू कबाड़ी के साथ पहुँच रहे हैं, आप भी वहां जल्दी पहुंचिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके करिश्मा सिंह जी, बात ध्यान से सुनिए, बोली शुरू होने से पहले हमें उस स्टैचू को ढूंढना है, उसे कस्टडी में लेना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि एक बार बोली शुरू हो गई कि हम फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मैडम सर हम रेड मार के एक बार में कब्जा काहे नहीं कर लेते, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि एक गैर जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की वजह से ये सब हुआ है, पुलिस का नाम और खराब हो जाएगा। जी मैडम सर आप सही कह रही हैं, अब हम माफी चाहते हैं, अब ऐसा ही होगा जैसा। ठीक है ओके, आप राइट में जाइए, हम लेफ्ट में जाते हैं। जी ठीक है ओके, चलिए चलिए। बुलबुल पांडे आप पहुंच गए अंदर? अरे कब का पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे स्टेज पे उमोम का पुतला है नहीं, ढूंढना पड़ेगा, आपको अगर कहीं मिले तो बताइएगा। ठीक है। आ,
ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। या ये क्या है, छोटी मोटी चीज है, हम तो इससे बड़े बड़े नीलामी अटेंड कर चुके हैं। पता है एक बार मैं एफिल टावर खरीदने निकल गया था। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो हमारी पर्सनैलिटी पे सूट करे, मतलब ऐसी कोई महंगी चीज जिसे हम खरीद सके, मतलब कोई पुरानी पेंटिंग या कोई यूनिक सा हार या कोई स्टैचू। बुलबुल पांडे अपने साले साहब से कही कि जरा हद में रहें वरना दो मिनट में पकड़े जाएंगे। ओके? अरे ये देख ली अपनी औकात। शकल से पता चल रहा है कि एफिल टावर खरीदने का शकल नहीं है, फोन तो रिचार्ज करने का पैसा है नहीं, आप एफिल टावर का बात कर रहे हैं। कम से कम शकल के हिसाब से तो बात कीजिए, बाइसाइकिल खरीदने का बात कीजिए, एफिल टावर नहीं। जी मैडम। करिश्मा सिंह प्लीज प्लीज शांत रहिए, शांत हो जाइए। जी। अरे हसीना जी, उस स्टैचू को ढूंढिए, यहाँ डीएसपी साहब बार बार फोन बजा रहे हैं और हमरी बज रही है। रिलैक्स रिलैक्स बुलबुल पांडे, मिल जाएगा मिल जाएगा, काम डाउन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की बोली, तो तैयार हो दोस्तों? जी हाँ हाँ। यस यस। बुलबुल पांडे, चंपक सुनाई दे रहे हैं हम? आदेश मैडम, एकदम। ओके ओके ओके, तो तुरंत बोली लगाना शुरू कीजिए वरना किसी को शक हो जाएगा। बोली लगाइए, सबसे आगे की सबसे महंगी बोली लगाइए, समझ में आया? जी जी, अच्छा वेरी गुड। ओके। अरे हम सब जानते हैं ये बुलबुल पांडे हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। अरे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, वहाँ पर ये पुतला लेके जाना है, पुतला वहाँ पे पहुँचाना है, इसके अंदर कोई जिम्मेदारी वाली बात है कि नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा है, है? हाँ पुष्पा जी। सर कैसे पकोड़े? एक नंबर, बहुत स्वादिष्ट है। सर दो पकोड़े मिल सकते हैं हमें? हाँ क्यों नहीं। अरे लीजिए भाई लीजिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह। सर एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब बुरा मानने वाली बात होगी तो हम बुरा मानेंगे, हम सब जानते हैं। पुष्पा जी, ये पुतले को पकौड़ा खिला रही है? सर वो चीते। सर सर। पुष्पा जी का दिल भी तो देखिए, उनका दिल भी तो मोम का है ना, अब ऊपर से ही पुतला एकदम नरभक्षी पिसाच के जैसा अपना आँख फाड़ कर पकौड़ा को ऐसा देख रहा था जैसे मांग रहा हो, खाना चाह रहा हो, इसीलिए हमको लग रहा है पुष्पा जी एक पकौड़ा उठा कर ना इस पुतला को भोग लगा रहे। लेकिन पुष्पा जी संभालिए अपने भावनाओं को, नहीं तो हम लोग का भविष्य पकौड़ा हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से आई? हम खा रहे हैं सर, खा ले पकौड़ा आपके में से। सत्यानाश हो गए। हाँ कीड़े पड़े इन लोगों को, पड़ गए, ये माइक्रोवेव भी बिगड़ गया। अरे सर आप यहाँ पर हैं? प्रणाम सर, पाए लागे। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। अरे ये तो बिल्कुल जीवित लग रहा है ना। अरे भाई किसी महान कलाकार की अद्भुत कलाकारी है, बिल्कुल जीवित प्रतीत हो रहा है ये मोम का पुतला। हाँ, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन और ये अगर यहाँ पर है तो बाहर हमारे पांडे जी किसकी तलाश में अपना सर खपा रहे हैं? दोस्तों इतनी शानदार स्टेज के लिए आप लोग लगाइए बोली। एक लाख, पांच लाख,
5 लाख, वेरी गुड। 1 करोड़, 1 करोड़। अबे का बकरा, 1 करोड़ का होता है पता? कितना जीरो होता है 1 करोड़ में पता है? अरे देना कौन सा है, 1 करोड़ 10 लाख। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.